यहाँ पर वासु और सपना इस पत्थर के पास में डांस करते हैं। आप पूरा स्क्रीनशॉट, इस मंदिर को कुछ इस तरीके से दिखाया जाता है। ये मंदिर आप देख रहे हो, सपना और वासु यहाँ पर बैठे रहते हैं दोनों, तो वो गाना गाते रहते हैं कितनी जुबान। हम अगर गाने की बात करें तो गाने के एक सीन यहाँ से फिल्माया जाता है। ये आप देखो स्क्रीनशॉट में, जो आप ये पहाड़ देख रहे हो। ओहो हो, वाह भाई वाह। सब्सक्राइब चाहिए, शेयर चाहिए, इंटरेस्ट आए थे कमेंट कोड चाहिए। यस। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। दोस्तों उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं, सन 1981 में एक मूवी आई थी कमल हसन और राति अग्निहोत्री जी की, जिसका नाम है एक दूजे के लिए। उस मूवी के अंदर एक गाना होता है, गाने तो कई हैं उसके अंदर और सारे गाने अच्छे हैं और मूवी भी काफ़ी अच्छी है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो मूवी ज़रूर देखना। मूवी के अंदर एक गाना आता है, तो गाने का नाम है तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना, मैंने नहीं जाना तूने नहीं जाना। तो उस गाने की शूटिंग लोकेशन हम इस वीडियो में देखने वाले हैं और कुछ मूवी के सीन भी। तो दोस्तों मेरा नाम मनीष है, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और फेसबुक पेज पर अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो फॉलो और लाइक ज़रूर करना। और दोस्तों मैं काफ़ी दूर आया हूँ आप लोगों के डिमांड के ऊपर वीडियो बनाने के लिए। दिल्ली से करीब 2000 किलोमीटर से ज़्यादा दूर है, 2 दिन का सफ़र करके आया हूँ। जगह का नाम है आंध्र प्रदेश में गंगावरम बीच विशाखापट्टनम शहर में, जिसको वाइजाग के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। पहनूंगी मैं तेरे हाथों से कंगना, जाएगी मेरी डोली तेरे ही अंगना। दोस्तों ये है गंगावरम बीच, आप देख रहे हैं ये गंगावरम बीच है और यहाँ पे है ये पूरा समुंदर, ये देखो, और यहाँ पर चल रही है ठंडी ठंडी हवा। तो ये पहले नज़ारा देखिए आप, ये जो बादल हैं कितने खूबसूरत बादल हैं, और यहाँ पे जो हवा है वो बहुत तेज़ है। तो ये देखो, और हम लोग आए हैं इधर से, तो ये नज़ारा आप देख रहे हैं गंगावरम बीच से पहाड़ी के ऊपर से। तो अभी हम लोग चलते हैं मूवी के बारे में बात करते हैं, जो जो सीन फिल्माए गए हैं। नेम नेम सतीश शंकर। शंकर कहाँ से हो? इधर है, गाजवाका से। गाजवाका से, आंध्र प्रदेश से ही हो? हाँ हाँ, चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया, हम आए राजस्थान से। वीडियो देखना हमारा, वीडियो देखना हमारा, और भाई का चैनल सब्सक्राइब। यस 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 यस, तुम्हारा जरूर, तुम्हारा तेलुगु में बोलो, తెలుగు మే తెలుగు లోకొక బోలో చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, షేర్ చేయండి, ఇంట్రెస్ట్ అయితే కామెంట్ కూడా చేయండి। yes तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये पत्थर हैं जो काफी फिसलन भरे हुए हैं। हम अगर गाने की बात करें तो गाने के एक सीन यहाँ से फिल्माया जाता है। ये आप देखो स्क्रीनशॉट में, जो आप ये पहाड़ देख रहे हो इनको आप पूरा मैच कर सकते हो। तो यहाँ पर गाने का वो सीन फिल्माया जाता है जब राति अग्निहोत्री जी और कमल हसन जी गाने में डांस करते हुए आते हैं। तो यहाँ पर मतलब ये जो पत्थर हैं, अभी 40 साल हो गए हैं मूवी को, तो ये पत्थर मतलब समुंदर की जो लहरें हैं उनसे पत्थर काफ़ी घिस गए हैं। तो अभी यहाँ पे मतलब थोड़ा नज़ारा चेंज हो गया। बाकी आप स्क्रीनशॉट में देखोगे तो आपको ये जो पीछे ये जो पहाड़ दिख रहे हैं
ये पहाड़ों का नज़ारा आप मैच कर सकते हो। और बाकी सीन लिए गए हैं ऊपर के, तो अभी हम लोग ऊपर चलेंगे। और यहाँ पर भाई देखो इतना सुकून मिल रहा है, जो मेरी मेहनत मतलब सफल हो गई है यहाँ आकर, क्योंकि मेरे को काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा यहाँ तक आने के लिए। जो रास्ता है उसको खोजने के लिए मुझे काफ़ी सफ़र करना पड़ा, और कई जगह तो पानी से निकलना पड़ा, ओंडा ओंडा पानी था तो इसी वजह से। और यहाँ पे मतलब अगर आप आओगे ना तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी आने में, मैं पूरा लोकेशन डाल दूंगा यहाँ का। तो अभी हम लोग चलेंगे ऊपर और फिर दूसरी साइड में। तो अभी हम पहले क्या है, थोड़ा इधर चलते हैं, इधर जो समुद्र की लहरें हैं वो काफ़ी, उधर वो मैं देखा है, हाँ मैं देखा है वो, उधर मैं जाऊंगा अभी, यहाँ से बनाकर जाऊंगा। अच्छा लग रहा है मुझे इधर। अच्छा क्या करते हो तुम? हम लोग यहाँ लॉट वाला, लॉट वाला में पोर्ट में उसमें काम करते हो? इसमें क्या बनता है पोर्ट में? इधर मैकेनिकल, छोटा छोटा छोटा, बढ़िया बढ़िया। चैनल का नाम क्या है? मेरे चैनल का फोन है आपके यहाँ? फोन नेट कॉलो, देखो मैं डालता तुम्हारा वीडियो आता दोस्तों को दिखाता। ओके, दिखाना भाई, मैं भाई के फोन में चैनल सब्सक्राइब कर रहा हूँ। मुझे दो। अच्छा हिंदी फिल्में देखता हूँ भाई, मैंने अक्षय कुमार का फैन, अक्षय कुमार का फैन, ओहो क्या बात है, रणवीर सिंह का। अभी हम तुम्हारा फैन हो गया है भाई, मैंने चैनल सब्सक्राइब कर दिया है, आप भी कर दो। तो भाई हम लोग क्या है कि अपने सब्सक्राइबर फॉलोवर बढ़ा रहे हैं भाई के फोन में। तो गाइस ये नज़ारा देखो, काफी अच्छी जगह है देखने में। थोड़ा हम नजदीक चलते हैं, लोकेशन के साथ में आपको कुदरत का नज़ारा भी दिखाना जरूरी है। पहनूंगी मैं तेरे हाथों से कंगना। और इधर क्रप्स केकड़े, ओहो वाह भाई वाह, क्या नजारा है यार भाई, इसको कहते हैं नजारा। पहली बार जीवन में ऐसा नजारा देख रहा हूँ। और ये क्रप्स है इधर, देखो छोटे छोटे क्रप्स है, क्रप्स ये देखो भाई, केकड़े ये इधर केकड़े हैं। अभी एक लहर का इंतजार करते हैं आने का, लहर आने दो। अब आप लोगों को मैं दिखा रहा हूं, गाने में एक बोल आता है, कितनी जुबा में बोले लोग हम जोली, एक ही बोली प्यार की बोली, तो वो वाला सीन। तो दोस्तों आप लोग ये जो जगह देख रहे हैं ना, यहाँ पे थोड़े कुछ बदलाव आ गए हैं। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीनशॉट में ये जो नज़ारा देख रहे हैं, ये जो पहाड़ हैं इनको आप मैच कर सकते हो। और देखो जब गाना होता है ना, तो ये वाली जो चट्टान है ना, जो ये वाली चट्टान है यहाँ पर, देखो मैं स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट में देखना, राती अग्निहोत्री जी यहाँ पर लेटी रहती हैं, गाना जब गाती रहती हैं वो, तो इस वाली जगह पर वो लेटी रहती हैं। और अभी यहाँ पे देखो 40 साल हो गए मूवी को बने, तो यहाँ पर मतलब ये पानी की जो बौछार हैं, लहरों की जो बौछार हैं, उनसे ये जो जगह है ना ये कट गई ही है। तो यहाँ पर सीन फिल्माया जाता है, आप स्क्रीनशॉट में अच्छे से मैच करना। बाकी ये जो नज़ारा है इतना खूबसूरत है, इसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है कि इसकी जितनी तारीफ़ करूँ। और सही बात तो मैं आप लोगों को बताऊँ कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि यार ये फिल्म मैंने देखी है तो इसकी लोकेशन को मैं देखने के लिए जाऊंगा। और ये सब पॉसिबल हो पाया आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से। तो ऐसा प्यार सपोर्ट आप बनाए रखना, आगे आप लोगों को मैं अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आने वाला हूं। और यहां पर एक मतलब एक सीन और फिल्माया जाता है, जो ये चट्टान है ना, ये वाली जो चट्टान है, ये पहले बड़ी चट्टान थी यहाँ पर। सपना और वासु यहाँ पर बैठे रहते हैं दोनों, तो वो गाना गाते रहते हैं, कितनी जुबा में बोले लोग हम जोली, दुनिया में बोली जाती है एक ही प्यार की बोली। तो यहाँ पर वो बड़ी सी चट्टान थी, तो उस पर वासु अपनी कमर लगा लेता है और फिर सपना उसको प्यार से गाना गाती है, तो इसी जगह पर फिल्माया गया था। और अभी हम लोग चलेंगे ऊपर, तो ऊपर चलते हैं हम लोग, देखो कैसी चट्टानें हैं। और ये गंदा पानी आता है, ये पूरा स्टील प्लांट से ये पूरा गंदा पानी आता है इधर, ये देखो यहाँ पर भाई बिच्छू हो सकते हैं, ये जो जगह है बिच्छू हो सकते हैं। अभी हमको चलना है उधर, उधर मंदिर है, वह मंदिर के कुछ सीन फिल्माए गए हैं,
वहाँ से दिखाऊंगा आप लोगों को। दोस्तों गाने के अंदर एक सीन यहाँ से फिल्माया जाता है, आप ये देख रहे हो बीच में ये जो पोर्ट के सामने ये जो एक बीच में कुछ बना हुआ है एक टापू सा पत्थरों का, तो यहाँ से फिल्माया जाता है। इस मंदिर को कुछ इस तरीके से दिखाया जाता है, ये मंदिर आप देख रहे हो। सपना और वासु गाना गाते रहते हैं, तो आप ये मंदिर का जो स्क्रीनशॉट पूरा देख सकते हो, कुछ इस प्रकार से फिल्माया जाता है। और फिर वासु और सपना फिर यहाँ पर आके बैठ जाते हैं, वो लोग ये जो जगह है इस पर बैठ जाते हैं, फिर गाना गाते हैं। और यहाँ पर काफ़ी सीन फिल्माए जाते हैं। तो ये मंदिर देखिए, ये मंदिर काफ़ी पुराना है, 40 साल तो मूवी को बने हो गए हैं, तो आप मंदिर को देख सकते हो। अभी इसका निर्माण है, दोबारा से किया जा रहा है। बाकी ये जो देख सकते हो, और इसमें काफ़ी सीन फिल्माए गए हैं, थोड़े बदलाव हो गए, जो सीढ़ियाँ हैं उनके नीचे से भी सीन फिल्माए हैं। तो चलिए पहले मैं आपको यहाँ के सीन दिखा देता हूँ। दोस्तों आप ये जो पत्थर देख रहे हैं, यहाँ पर भी एक सीन फिल्माया जाता है गाने का, आप स्क्रीनशॉट में मैच कर सकते हो। यहाँ पर वासु और सपना इस पत्थर के पास में डांस करते हैं, आप पूरा स्क्रीनशॉट में ये मैच कर सकते हो। दोस्तों वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप देख रहे थे गंगावरम बीच से इकनुजे मूवी की शूटिंग लोकेशन मनीष के द्वारा। अगर आप लोगों को भी कोई मूवी का पता है कि आपके एरिया में शूटिंग हुई है उसकी, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। और ठीक है दोस्तों, मिलूँगा आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से टाटा बाय बाय, लव यू, अपना ख्याल रखना।